सीआरपी आरक्षकों द्वारा टैक्सी संचालकों की पिटाई कर देने के मामले में टैक्सी संचालक एवं कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे जीआरपी थाने। टैक्सी संचालक ने आरोप लगाए हैं कि जीआरपी थाने में पदस्थ आरक्षक उन्हें हर कभी परेशान करते रहते हैं। वहीं कल शाम को टैक्सी लगाने की बात पर एक टैक्सी संचालक के साथ आरक्षकों ने मारपिटाई भी कर दी, जिसकी शिकायत लेकर सभी लोग जीआरपी थाने पहुंचे। वहीं आरक्षकों का कहना है कि उन्होंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की, बल्कि उन्होंने केवल रास्ते से हटने की बात की थी। अभी तक जीआरपी थाने ने आरक्षकों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। जहाँ की यह घटना है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसके अंदर पूरी घटना कैद हो चुकी है, लेकिन ना तो जीआरपी प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेजों को देखने की कोशिश की और ना ही मामले को सुलझाने की। इसके विपरीत टैक्सी संचालकों पर ही आरोप प्रत्यारोप कर दिए गए। चार पांच ऑटो थे, उनको पीछे करवाने के लिए किया, ये नेतागिरी कर रहे थे वहाँ पे। क्या नेतागिरी? ऑटो में बैठ नहीं रहे थे, अपने ऑटो स्टार्ट करके आगे पीछे नहीं लगा रहे थे लाइन में, ठीक है। हमने इनको बिठाया ऑटो में और उसके बाद में ऑटो अपना घुमा के बोले ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, इस तरह से बात करते हुए वहां से निकल गए। पीछे पीछे और दूसरे वाले ऑटो थे, वो दूसरा ऑटो था उसको भी निकाल दिया, हमने पीछे करवा दिया। उसके बाद सारे ऑटो ये लोग लेके इस तरफ चले गए, यहाँ पे ये अपने मेन रोड पे यहाँ लाके लगा दिया। उसके बाद कोई बात नहीं, इतनी बात हुई है। हाँ, हमारे साथ दो स्टाफ और थे, अगर हमने इसको मारा हो, गाली दी हो, डंडा इसको नहीं लगाया जी, ठीक है, डंडा लगाया था ऑटो को, ऑटो ऑटो थी ना, उसने डंडा लगाया था कि बीच में आगे कर ले। अब इस दिन बोलो बता दो, हमारा रोज का काम है ड्यूटी करने का, डीआरएम साहब आए थे, हम उनकी व्यवस्था कर रहे थे, इसका आप कोई बात नहीं। बता दो, हम कह रहे हैं गलत कोई नहीं करेगा, ये करेंगे हम इनके खिलाफ, हम इनके खिलाफ है, व्यवस्था बनाए रखेंगे, ये गारंटी है। आप व्यवस्था ये मोबाइल नंबर दे दीजिए, बिल्कुल उनसे बात करेंगे, देखिए आपके आदमी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल नंबर आप बुलाइए, हम बिल्कुल आएंगे, आपको सहयोग करेंगे। वही लेकिन ये मेरा सेंटर वाला नंबर मेरा है, 51 वाला है ना, हम बात करेंगे। हां बिल्कुल, बिल्कुल फैला रहे हैं, हां बिल्कुल आप है। और मैं तो ये कह रहा हूँ आप तुरंत बुलाइए, अगर कोई अव्यवस्था फैलाता है, और बिल्कुल हम एक बार कहेंगे, इसके बाद कार्रवाई करेंगे हम। हाँ नहीं, ये लोग गलत करते हैं, गलत किसी को करने का हक, गाली देने का, मारने का नहीं है। ये थोड़ा सा ये नहीं, हमारा इस बात का विरोध है, नहीं लेकिन ऐसा ना करना। हाँ नहीं करना, गाली हम और आप भाई है, आपने वर्दी पहन ली, हम लोग भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है, लेकिन गाली ना, चलो स्वीकार कर, अच्छी बात है, सबके समाज में गाली देना ठीक है, हो गया खत्म बात। हम तू नहीं गाड़ी है ना, हटवा रहे थे वहाँ से, हटाओ पीछे हटाओ, मिलकर में हटा रहा हूँ गाड़ी, गाड़ी बिल्कुल स्टैंड पे लगी थी मेरी गाड़ी, और ऑटो वाले आ रहे थे तो वो और आगे लगा रहे थे, तो ये पुलिस वाले उनसे मना नहीं कर रहे थे, तो मेरी गाड़ी हटवाई उन्होंने, स्पेशली आपकी गाड़ी हटवाई। हाँ, और फिर हाथा भी हाँ, उन्होंने मारा, गाड़ी में ही मारा और मुझे में ही मारा पीछे। अच्छा अच्छा, गाड़ी गाड़ी भी बकी है, क्या बोल के कहना, गाड़ी हटाओ, क्या क्या बोला था, ऐसा क्या बोला था, गाड़ी गाड़ी पीछे ले जाओ, पीछे रहो, गेट बंद है, पीछे कैसे पीछे सवारी आएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, बोली तक नहीं करी हम लोगों ने, बोले ला चौकी पे चल, चौकी पे ले चल, थाने में ले जाने लगे, बात चोट जाएगा तुम्हारी, थाने में ले जाएगा, बंद कर देंगे।